उत्तर प्रदेश के कई शहरों में नुपुर शर्मा के बयान के विरोध में जुमे की नमाज के बाद विरोध प्रदर्शन हुआ। इसी दौरान प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतर आए और उन्होंने पुलिस पर पथराव किया। सहारनपुर, मुरादाबाद, फिरोजाबाद के अलावा प्रयागराज में भी प्रदर्शन हुए, जहां भीड़ ने हिंसक रूप ले लिया। वहीं पुलिस अब उपद्रवियों की पहचान कर उनको गिरफ्तार कर रही है। इस बीच देवरिया से भाजपा विधायक शलभमणि त्रिपाठी ने ट्विटर पर एक वीडियो शेयर कर कैप्शन में लिखा, बलवाइयों को रिटर्न गिफ्ट, जिस पर लोगों ने घेरा तो उन्होंने ट्वीट डिलीट कर दिया। यूपी के पूर्व सीएम और सपा मुखिया अखिलेश यादव ने ट्वीट कर निशाना साधते हुए कहा कि उठने चाहिए ऐसी हवालात पर सवालात, नहीं तो इंसाफ को देगा हमारा इकबाल। यूपी हिरासत में मौतों के मामले में नंबर वन, यूपी मानवाधिकार हनन में अव्वल, यूपी दलित उत्पीड़न में सबसे आगे। आपको बता दें, नुपुर शर्मा के बयान के बाद लगातार कुछ न कुछ घटनाएं सामने आ रही हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि भीड़ में 10 से 12 साल के बच्चे भी शामिल थे। ब्यूरो रिपोर्ट, वीडी टीवी उत्तर प्रदेश।